आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी लोकेशन पे जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इतने खूबसूरत नजारे हैं, कैंपिंग एक्सपीरियंस है, और स्पेशली समर्स में जाके तो आपको वहाँ पे मजा ही आ जाएगा। तो आज पूरी फैमिली के साथ मैं जा रही हूँ चोपटा। हाँ जी, और जब गाइस आप फैमिली के साथ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, स्पेशली जब आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो एक ऐसा कैंप ढूंढना पड़ता है जो फैमिली के साथ जाने में एकदम कंफर्टेबल हो। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको चोपटा की ब्यूटीफुल सी लोकेशन तो दिखाऊंगी ही, साथ ही आपको बताऊंगी एक ऐसे चीप एंड बेस्ट कैंप के बारे में जिसमें आप यदि फैमिली के साथ या एज अ कपल जाते हैं तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। वो होगा आपका बजट फ्रेंडली भी और बेस्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको चोपटा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ब्लॉग। और हाँ दोस्तों, ब्लॉग देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग वे टू चोपटा। अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे शुरू हुआ हमारा सफ़र दिल्ली NCR से। अभी तो सूरज पूरी तरह से बादलों से निकला भी नहीं था, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एटमॉस्फेयर हो रहा था बाहर, और हम क्रॉस करने वाले थे मेरठ को। और बस 3 घंटे बाद हम पहुंच चुके थे हरिद्वार। हर की पौड़ी उस तरफ नजर आ रही थी। ये दर्शन हुए हमें पवित्र गंगा मैया के। कल कल बहती गंगा को देख के मन को जो सुकून और शांति मिलती है ना दोस्तों, कि क्या ही बताऊं मैं। गाइज, रोड ट्रिप का एक रूल होता है, अगर आपको रोड ट्रिप करनी है तो अर्ली मॉर्निंग घर छोड़ दीजिए ताकि आपको ट्रैफिक भी ना मिले और धूप से भी आपका बचाव हो सके। और गाइज, चोपटा जाते वक्त अभी हम रुके हैं देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पे आप पीछे देख सकते हैं मेरे, यहाँ संगम हो रहा है दो नदियों का, भागीरथी और अलकनंदा का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नीचे आप देख सकते हैं लोग बाग जाके नहाते भी हैं। इट्स ब्यूटीफुल आउट हियर। इन सुंदर पहाड़ों वाले रास्तों को तो देखकर मन करता है कि यहीं बस जाए, बट कहते हैं ना पहाड़ों वाली जिंदगी सबको कहाँ नसीब होती है। जिनकी किस्मत सबसे अमीर होती है या खूबसूरत जिंदगी उन्हीं के करीब होती है। और चोपटा जाते वक्त रास्ते में हमें मिला प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर भी। पैर के 2 बज चुके थे और हो चला था लंच का समय, तो हम रुक गए रास्ते में पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट में। अभी हम रुके हैं रुद्रप्रयाग पे लंच करने के लिए, क्योंकि आप रोड ट्रिप कर रहे हो और सुकून से मस्ती मजाक ना करते हुए जाओ तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए रोड ट्रिप को आराम से इंजॉय करते हुए जाना चाहिए। तो अभी भी यहाँ से चोपटा बचा है हमारा, कुछ 2-2.5 घंटे की दूरी पर है चोपटा, तो अभी हमें 2.5 आवर्स और लगेंगे रुद्रप्रयाग से। चलिए अब फटाफट से कुछ गर्मा गर्म सा लंच करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि चोपटा। गाइज, अब हम चोपटा वाले रास्ते पे जा आ चुके हैं। केदारनाथ का रास्ता अलग कट गया है, अब जो रोड है बहुत ही नैरो है, बट है भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा।
तो फाइनली हमें दिख गया चोपटा का बोर्ड, जो यहाँ से अब चोपटा बचा है सिर्फ 29 किलोमीटर्स। उफ, चोपटा के रास्ते पे कदम रखते ही खूबसूरत वादियों ने हमारा स्वागत किया। मगर हाँ, आप देख सकते हैं कि रोड्स काफ़ी नैरो हैं चोपटा की, और हो भी क्यों ना, चोपटा सी लेवल से अराउंड 9000 स्क्वायर फिट ऊपर जो है। और जैसे कि कहते हैं कि पहाड़ों के वेदर का कुछ नहीं पता, तो देखिए बारिश भी शुरू हो गई है अब तो। फाइनली कैंप्स दिखने शुरू हो गए हैं, और बस शायद हमारा भी कैंप आने ही वाला है। यस, ये दिखा हमारे कैंप का बोर्ड जिसका नाम है नीलकंठ कैंप्स। और बॉस 10 घंटे कार में बैठने के बाद सबने लगा दी फटाफट दौड़ कैंप के अंदर। और ये देखिए फर्स्ट व्यू हमारे गॉर्जियस कैंप का, जो बिल्कुल नेचर के लैप में बसा हुआ था। अब समझ में आया कि चोपटा को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। भाई इतनी खूबसूरती जो चारों तरफ बिखरी हुई है। चुके फाइनली अपने कैंप। सुबह गाजियाबाद से हम 5:30 चले थे और शाम को 5 बजे हम अपने इस नीलकंठ कैंप में फाइनली पहुंच गए हैं। पूरे रास्ते हम लोग मस्त एसी चला के आए हैं, बट जैसे ही चोपटा में हमने कार के बाहर कदम रखा, उफ, सबकी जैकेट्स निकल आई है। एकदम चिलिंग सा टेम्परेचर हो रहा है, लग रहा है पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बस बर्फ पड़नी बाकी रह गई है, बाकी पूरी ठंड मस्त वाली पड़ रही है यहाँ पे। रास्ता तो ब्यूटीफुल था, सो था, बट इस कैंप में आके यहाँ की खूबसूरती देखे तो मानो मैं खो सी गई हूँ। इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है ये कैंप गाइस कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कैंप अंदर से। चलिए अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि कैंप की हालत अंदर से कैसी है, वॉशरूम कैसे है, नीट एंड क्लीन है कि नहीं। चलिए मैं आपको कैंप दिखाती हूँ, आइए। आपने देखा कितने नीट एंड क्लीन है ये कैंप्स, वॉशरूम वगैरह भी एकदम साफ सुधरे हैं। हाँ, बट एक चीज है, यहाँ पे लाइट की सप्लाई पूरा दिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी से ये लोग लाइट क्रिएट करते हैं, तो पूरा दिन आपको मोबाइल आपके फोन चार्ज करने के लिए मिल जाएगा। बट लाइट जो है वो अराउंड 6:30 आपको कैब में प्रोवाइड होगी। पहले बताती हूँ कि आप चोपटा में तक कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। वहां से आप रुद्रप्रयाग तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएगा रेलवे स्टेशन से बाहर ही, और रुद्रप्रयाग से आप आइए अगस्त मुनि दूसरा ट्रांसपोर्ट चेंज करके, और अगस्त मुनि से सीधे चोपटा के लिए आपको बसेस कैब्स कुछ भी मिल जाएंगी बहुत ही इजीली। और अगर आप अपनी कार से अपने ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सीधे कार उठाइए और डायरेक्टली आप चोपटा आ जाइए। रोड बहुत ही स्मूथ है। हाँ, अगस्त मुनि के बाद चोपटा तक की रोड थोड़ी सी नैरो है, तो मेक श्योर कि आपके पास पहले पहाड़ों में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि थोड़ी नैरो तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई 9000 फिट ऊपर जो है, सी लेवल के 9000 फिट ऊपर है चोपटा में,
बट यस, ये सीनिक व्यू, ये सुंदर सी ब्यूटी अगर आपको इंजॉय करनी है तो इतना ड्राइव तो कुछ भी मायने नहीं रखता। तो बस गाड़ी उठाइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़िए और पूरे परिवार के साथ आ जाइए चोपटा की इस खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए। अभी शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में डिनर सर्व होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वैरायटीज ये लोग यहाँ पे सर्व करें और फूड कैसा है। मुझे लग रही थी बहुत ठंड, तो फाइनली मैंने जैकेट पहन ली विद कैप। अब ठंड से थोड़ी सी राहत है। जैसे जैसे रात होती जा रही है, मौसम एकदम चिल्ड वाला होता जा रहा है। तो मेक श्योर जब आप यहाँ पर आए, चाहे समर्स हो, और विंटर्स में तो खैर बर्फ ही पड़ेगी, बट समर्स में भी अपनी जैकेट्स और गर्म कपड़े लाना मत भूलिएगा। यकीन मानिए बाहर ठंडा है बट कैंप्स अंदर बहुत ही कोजी कोजी है। गाइस चोपटा अगर आप आ रहे हैं तो 2 से 3 दिन इस ब्यूटीफुल सी जगह को एंजॉय करने के लिए मोर देन सफिशियंट है। यहाँ से आसपास जो जगह है, जैसे देवरिया ताल है, वहाँ पे एक ट्रैक है 2.5 से 3 किलोमीटर का, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। आपको तुंगनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का हाईएस्ट टेंपल है, उसका भी जो ट्रैक है तुंगनाथ चंद्रशिला का, वो यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आइए नेचर को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल ब्यूटी है। तो बस यहाँ आइए और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। कैंप के नीचे ही इन्होंने कैंटीन बना रखी है एक छोटी सी, जहाँ पे फूड सर्व होता है, बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट है, थोड़ी छोटी है, बट यहाँ पे कैंप में ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं, तो इसीलिए उनके लिए सफिशिएंट है। सामने ही चूल्हा जल रहा होता है और चूल्हे पे सिकी हुई गर्मा गर्म रोटियां ये लोग सर्व करते हैं। बहुत ही साफ सफाई है इनके किचन में। और ये आगे हमारा खाना, ये देखिए, एक सूखी सब्जी, दाल और चूल्हे पे बनी गर्मा गर्म रोटियां। गाइस गर्मा गर्म डिनर करने के बाद हम फट से जल्दी से कैंप के अंदर आ गए हैं और रजाई कंबल में घुस गए हैं, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है। सोचिए नॉर्थ इंडिया में जून के महीने में गर्मी पड़ रही है, वो भी बहुत तेज वाली, और यहाँ पे इतना चिल्ड वेदर है। जी हाँ, एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे जो खाना है ये लोग चूल्हे पे बना के गर्मा गर्म रोटियां सर्व कर रहे थे, और खाना बिल्कुल घर जैसा है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए भी परफेक्ट खाना मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए फटाफट से सो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत थकान भरा भी दिन रहा था, पूरे दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और कल भी मॉर्निंग के बहुत सारे प्लान्स है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, यहाँ का सनराइज देखना है। तो चलिए फटाफट से नींद पूरी करते हैं और सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह के 5:30 हुए हैं। इनफैक्ट नींद तो 4:30 से ही खुल गई थी। ऐसा लग रहा था कितना दिन निकल आया है, क्योंकि चिड़ियाओं की आवाज़ इतनी ज़्यादा कानों में आ रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था सोने का। ऐसा लग रहा था बाहर आ जाओ और इन्जॉय करो इस ब्यूटीफुल से नेचर को। सीरियसली पैराडाइज है ये, पैराडाइज। बहुत ही कम्फी सी और कोजी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अभी भी अच्छी खासी ठंड है, आई थिंक इस बार जून में कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है यहाँ पर। तो आज बस अभी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट भी अर्ली मॉर्निंग यहाँ सर्व हो जाता है, और नहा धो के हम स्टार्ट करने वाले हैं बाबा तुंगनाथ का ट्रैक, और ट्रैक करते हुए ऊपर चंद्रशिला भी जाएंगे। और जो आप ये वाला जो ट्रैक है, इसको आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ये था ब्यूटीफुल सा, गॉर्जियस सा, मेस्मराइजिंग चोपटा। आई होप आप लोगों ने भी उतना ही विजुअली इसको एंजॉय किया होगा जितना कि मुझे मजा आया है इस सुंदर सी जगह पे आके। रियली आप समझ में आया कि इसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं। इतने सुंदर व्यूज हमें यहाँ पे मिले हैं कि मजा ही आ गया है। और ऊपर से ये जो कैंप्स जिसमें हम ठहरे हैं, नीलकंठ कैंप, ये इतने अच्छे कैंप्स हैं। यहाँ का फूड भी इतना टेस्टी था, बिल्कुल घर जैसा खाना।
और कैंप में नीट एंड क्लीन भी बहुत थे और रात को भी बहुत ही बढ़िया सी नींद आई, कोजी कोजी से ब्लैंकेट्स मिले हैं। तो आप इस कैंप में अगर आप चौपटा आ रहे हैं फैमिली के साथ तो ये कैंप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, चीप एंड बेस्ट कैंप है ये चौपटा में रुकने के लिए। अब मैं इसकी कॉस्टिंग आपको बता देती हूँ। इस कैंप का हमें पड़ा है 2200 पर नाइट का है, जिसमें कि आपको ये 3 बेड्स दे रहे हैं और इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीज इंक्लूडेड है। बट हाँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे ये कैंप पर्सनली बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाए, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ आते हो तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आप जहाँ पे रुक रहे हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए और आपके बजट में भी आना चाहिए। आप भी आके इस ब्यूटीफुल से चौपटा में खो जाइए, नेचर में खो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड की ये एक ऐसी जगह है जो जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड जगह नहीं है। तो समर ब्रेक में या किसी भी और सीजन में भी आप दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत रश मिलेगा, सारे होटल्स की रेट्स भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बस नेचर की गोद में खो सकते हैं। और हाँ, एक बात और, नवंबर से फरवरी के बीच में चौपटा में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो अगर आपको स्नो एंजॉय करनी है तो आप उस समय आइएगा। और ये जो जगह है ये कैंप बेस है तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक का भी। बहुत सारे लोग तुंगनाथ और रुद्रनाथ जाते वक्त भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं और उसके बाद ऊपर से दर्शन करके आते हैं। तो चलिए, अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम लोग तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक पे भी जाने वाले हैं, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वहाँ भी हम विद फैमिली जा रहे हैं। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पे फैमिली के साथ जा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल से और इंटरेस्टिंग से वीडियोस लेकर आऊंगी। चलिए, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।